हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज। आज हम आम का श्रीखंड बना रहे हैं, आम्रखंड भी जिसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो दही का चक्का होता है। तो ये मैंने आधा किलो दही जमा ली थी रात को। तो इसको हम एक जो कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसमें इस तरीके से छान लेंगे, जिससे कि इसका सारा जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। इस तरीके से हल्का हल्का इसको हाथों से प्रेस करेंगे। और इसके बाद हम जो ये पानी है उसको निकाल देंगे और इसमें एक कपड़े को रखकर, इस पर हमने वजनदार बर्तन रख दिया है, और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटा हो गया है, आप ये देख सकते हैं कितना सारा पानी फिर से निकल गया है दही में से। तो ये हमारा दही का चक्का रेडी हो चुका है, तो इसको हम साइड में रख लेंगे। तब तक हम एक आम लेंगे। ये 600 ग्राम का एक आम है, तो इसके लिए हमें 300 ग्राम आम का ही पल्प चाहिए। तो हम इसको कट करके निकाल लेंगे, तो पूरा आम हम नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो एक थोड़ा सा टुकड़ा हमने इस तरह के शेप्स में कट किया है, जिससे कि हम दो कुछ पीसेस जो हैं गार्निशिंग के लिए एक बोल में अलग करके रख लेंगे। ये हमने अलग रख लिए। अब हम इस जो पल्प हमने निकाला है आम का, उसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये जो हमने दही का चक्का लिया है, इसको एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। तो ये चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाता है। इसमें अब हम जो आम का जो पल्प हमने मिक्सी में पीसा था उसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, समर में स्पेशली डेजर्ट के रूप में बहुत ही टेस्टी डिश लगती है। इसमें अब हमने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है, इससे आपको मीडियम टेस्ट आएगा चीनी का। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्लेंडर से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो चम्मच से, हैंड ब्लेंडर से, किसी से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो क्योंकि हम इसे चिल सर्व करते हैं, तो ये हम ने मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था सर्व करने से पहले। अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये 2 बोल जो आम्रखंड है रेडी हुआ है 2 लोगों के लिए सर्विंग के हिसाब से। इसको हम जो मैंगो के छोटे छोटे पीसेस हैं उससे डेकोरेट कर लेंगे, और हमने थोड़े से जो पिस्ते हैं वो चॉप कर लिए थे उससे गार्निश कर देंगे, और थोड़ा सा केसर के धागे हम डाल देंगे। देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी आम का श्रीखंड रेडी हो चुका है, जो खाने में बहुत डिलीशियस है।